उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में आगामी दिनों से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर तहसील व पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सजग है, जिसको लेकर SDM रविंद्र सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी जय सिंह परिहार, तहसीलदार विक्रम सिंह चाहर राजस्व टीम के साथ थाना समसाबाद स्थित गंगा ढाई घाट पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। SDM ने शाहजहांपुर के ठेकेदार से भी बात की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए, बैरिकेडिंग से निर्देश दिए और जहां पर बैरिकेडिंग थी उसका भी जायजा लिया। सुरक्षा को लेकर बाच टावर बनाने के निर्देश दिए। बताया गया टावर पर 3 सिपाही तैनात रहेंगे और लगातार निगरानी रखेंगे। निगरानी के लिए CCTV कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। महिलाओं के कपड़े बदलने के लिए अस्थायी चेकिंग रूम भी बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। SDM ने क्षतिग्रस्त मार्ग पर मिट्टी डलवाने जाने की बात कही, जिससे आने जाने वाले कांवड़ियों को आवागमन में दिक्कत ना पहुंचे। वहीं कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए पुलिस क्षेत्राधिकारी जय सिंह परिहार ने थाना समसाबाद SO को निर्देशित किया। क्या व्यवस्था रहेगी सावन को लेकर? देखिए, जैसे कि आपके संज्ञान में कि अभी कांवड़ यात्रा प्रारंभ होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा कांवड़िए यहाँ पे ढाई घाट पर स्नान के लिए आएंगे, तो उसी के उपलक्ष्य में हम और CO कायमगंज, तहसीलदार कायमगंज, हम लोग जो है जॉइंट निरीक्षण के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे व्यवस्था के तौर पे हम देख रहे हैं कि हमने ठेकेदार से बात की, यहाँ पे बैरिकेडिंग की व्यवस्था, नहाने के लिए प्रॉपर व्यवस्था, वाच टावर, कैमरा और विद्युत की व्यवस्था हम लोग यहाँ पे जो है चेक करेंगे। जी, थैंक यू। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।